जैसा मैंने कहा वैसा ही हो। दीदी कर रहे डेकोरेशन, खुशी लग रहा है। हैप्पी बर्थडे बना मम्मी और पापा को गिफ्ट। दार्जिलिंग टाउन का नजारा आप देख सकते हो। गए मोमो पक गया, स्पेशल चटनी। गुड आफ्टरनून गाइस, टासी डिले से वारफी फुलो नमस्ते। दिस इज योर दर्शन थामांग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मी यूट्यूब चैनल दर्शन ब्लॉग। स्वयं के बर्थडे में इनवाइट किया है, हमारे दीदी घर जाना है आज, ठीक है। एंड आज जा रहे हैं हम और असु। चलो असु, रेडी, डन, मम्मी जी। हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते डैडी जी का शॉट। और यहाँ पर क्या है देखो गाइस, बहुत सारे मकई। ये रवि अंकल ने दिया है मकई, ये इसको दिया है जोशीला आंटी ने। गाइस देखो मौसम ऐसा है तो बारिश भी हो सकते है, तो अभी रेनकोट कैरी करना पड़ेगा। चलो बाय बाय मम्मी जी, बाय बाय। देखेंगे आज अगर लेट हुआ तो हम नाना के घर में स्टे करेंगे, अगर जल्दी हुआ तो वापस आ जाएंगे, ठीक है मम्मी जी। ओके ओके, बाय बाय। चलो असु। तो गाइस अभी हम मतलब निकलने ही वाले थे ना, और डैडी जी देखो। हेलो डैडी जी। हेलो, क्या हो रहा है, हिसाब किताब हो रहा है? 15 अगस्त का हिसाब किताब हो रहा है, अभी मीटिंग है ना, मीटिंग में दिखाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। एंड ना गाइस अभी हम निकलने वाले थे, एंड गाइस मौसम हो गया खराब, इसलिए मैं रेनकोट वेनकोट पहन लिया हूँ, क्योंकि ना गाइस देखो अभी बारिश तो होने ही वाला ऐसा लग रहा है, एंड ऐसा ही होता है दार्जिलिंग का मौसम। चलो क्या करें, है ना। तो चलो गाइस चलते हैं, अभी जैसा मैंने कहा वैसा ही हो गया, अभी बारिश गाइस शुरू हो गया, बम्बल भी हल्का हल्का सा भीग रहे हैं, एंड असु भी भीग रहे हैं। असु को मेरा रेनकोट थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलो तो गाइस मिलते हैं अभी आप लोगों को दार्जिलिंग में, क्योंकि दार्जिलिंग में थोड़ा सा मार्केटिंग मतलब थोड़ा सा कुछ सामान खरीदना है, तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद में। सी यू गाइस, सी यू देयर। क्या हुआ, स्कूटर मौके भूल गया? A few moments later. Okay guys, अभी हम पहुंच गए दार्जिलिंग टाउन। इतना मुश्किल पड़ रहा है अभी स्वयं का गिफ्ट खरीदने में, तो स्वयं अभी 10-11 वर्ष मतलब 10-11 साल का बच्चा है, तो मतलब क्या गिफ्ट वही मतलब ढूंढ रहे। अश्विनी को पूछ रहा हूँ, अश्विनी भी कंफ्यूज है। तो गाइस देखेंगे मतलब क्या खरीदेंगे, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स के बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं, तो यहीं पर कुछ खरीदेंगे। चलो तो गाइस हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर, एंड इवन कैरम बोर्ड यहाँ लगता है एक पलटा। सो मैं सोच रहा था कि वो पसंद आएगा, लेकिन गाइस फिर मुझे लगा कि मतलब ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल गेम है, इसलिए शायद पसंद नहीं आएगा आजकल के बच्चों को, है ना। एंड यहाँ पर बहुत सारे जैसे फुटबॉल है एंड है, एंड गाइस शायद उनको क्रिकेट पसंद आएगा, तो इसमें सेट है स्टम्प बॉल सब कुछ है, तो ये देखेंगे। तुमको कौन सा वाला पसंद आया? ये वाला ठीक है, देखेंगे कौन सा वाला लेके जाएंगे। तो गाइस गिफ्ट खरीद लिया, तो दिस वाज द स्टोर जहाँ से हम लोग खरीदा, नेशनल स्टोर। ओके गाइस अपना मतलब थोड़ा छोटा मोटा शॉपिंग हो रहा है, एंड असु पता नहीं क्या क्या खरीद रहे, देखो बिस्किट वगैरह। गाइस धीरे धीरे करके असु के गोदी में बहुत सारे सामान हो रहे हैं। चलो अभी भैया। हेलो, तो गाइस पहुंच गए हम घर। हैप्पी बर्थडे सुया, हाय थैंक यू वनिको। स्वयं सबै स्वयं जस्तै रहेछ। लियोन के वम भित्र हामी सबै आशा गरिन्छ है। हैन ए दिदी आजी होय एको। हेलो वेना, हाय। यो सामान यो यसमा चाहिँ इस्कुस र मकै मात्र छ। एक वडा पुरा दे न। हाम्रो सानो आमा आसु आमा मलाई कान्छे आमा कान्छे आमा कान्छे आमा भन्छ नि चटनी चटनी रे। हम पहुंच गए घर, एंड गाइस देखो दीदी कर रहे डेकोरेशन। यहाँ पर मोलो गर्न आउनु न, मोसँग बिनाको डेकोरेशन नै आता, मेरो को नै आता। देखो यो अकेला कर रहा है, राम्रो भयो है। हेलो बर्थडे बॉय, शायद आमा को आता है डेकोरेशन। अच्छा असु अपना कमाल दिखा दो डेकोरेशन वाला, जल्दी आमा के हिंदी बहुत अच्छा है। जल्दी जाओ
तुम चाहिए तुम चाहिए तू पनि हेरे हो चाहिए पनि हेरे इज्जत साथ काजी तुम के लिए गिफ्ट है आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है इसको मकै पनि रहेछ मकै अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक मकै अनि इस्कुस मेरो पसन्द नै स्वयंको बहुत पसन्द छ इसका त हाम्रो मोमो बनाके खाएंगे थैंक यू वेरी मच आमा के लिए छोटा सा मिठाई आइसला त्यो आमाको मिठाई और आमा आज आपका नाती का बर्थडे कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है खुशी लग रहा है असु देखो अपने काम पे लग गए ये असु तुम्हें इसलिए बुलाया है नाना ने लाइट वाला किधर गया बोला सुबह से यहाँ पर है बर्थडे बॉय स्वयं तो इसका ही बर्थडे है लियोन एंड केवांग केवांग क्या कर रहे हो कुछ दामी रहेछ है इसका नाम लियोन दोर्जे इसका नाम सुयांग दोर्जे इसका नाम केवांग दोर्जे सब तीन दोर्जे हो गए लियोन दोर्जे हाँ यहाँ पर दावा दोर्जे यहाँ तो अर्सन दोर्जे 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 यहाँ पर आमा दोर्जे मुनी मुनी मुला गाइस यहाँ पर है निमो हमारे प्यारे से भाई है ना निमो हे रोनी कैसे मेरे भाई हेलो ये है आमा का छोटा बेटा सो गाइस इट्स फाइनली बर्थडे टाइम एंड गाइस बर्थडे बॉय को देखो एकदम फुल कल्चरल ड्रेस में इसको कहते हैं हम दौरा सुरवाल एंड गाइस बर्थडे बॉय के मम्मी जी को तो मैंने दिखाया लेकिन डैडी जी अभी सरप्राइज में है दिखाऊंगा अभी डैडी जी का चेहरा Here is guys ये हमारे जीजाजी के जीजाजी यानी कि आज हो गए जीजाजी स्क्वायर एंड हमारे लगता है जोजो यानी कि भैया तो मैं जोजो बोलता हूँ तो यहाँ पर है हमारे जोजो एंड हमारे आजिला एंड यहाँ पर है हमारे आमा एंड आमा के सिस्टर मैं आशु बोलता हूँ एंड आशु भी है एंड बहुत सारे मतलब पूरे परिवार आज हमारे भाई के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आज स्वयं हो गए है 9 years मेरा दोस्त ने बनाए थैंक यू वेरी मच एस्टर मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी कि कैसा है अभी टेस्ट मत करना ठीक है पहले भाई को आज ना मेरा दीदी का बेटी का भी बर्थडे बिमला दीदी का उनको आपका ब्लॉग देखते हैं रिया हैप्पी बर्थडे रिया हैप्पी बर्थडे रिया हैप्पी बर्थडे वेट ओके गाइस इट्स बर्थडे टाइम सो टाइम फॉर बर्थडे बॉय हैन पहिला चाहिँ उले उयो गरिहालोस् न ओके 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टु यू मामा जी बोल रहे थे टेस्ट करके बताएंगे अभी बताओ कैसा हुआ सुपर टेस्टी ए जो जो खदा लगाई देख मैं खींचने पाए ना हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे सो क्यूट केवांग जो जो अच्छे से आशीर्वाद देना ठीक है स्वयंको टुडे आज स्वयं से ज्यादा तो इसको केक मिल रहा है हैप्पी बर्थडे आमा
स्वयंको मिला गिफ्ट यता यता ल वान फोटो एउटा फोटो ल स्माइल ह्याप्पी बर्थडे भन नाइस नाइस लु भाइ मम्मी र ड्याडी गिफ्ट दे रहे है देखो ए खै मम्मी र पापाको गिफ्ट बिकज जस्तो कि नानी चाहिँ अलिक म्युजिसियन भस् भन्दै गर्छ राम्रो बजाउँछ लो अनबक्सिङ अनबक्सिङ गाइस ये फ्लिपकार्ट से आया है देख लिया मैंने टैन टैन ओ की बोर्ड नहीं अभी गाइस इसमें स्पीकर भी कैरी ओके ये तो पिम पम लग रहा है हेलो 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 चेक आज स्वयं के बर्थडे में हम स्पेशल तरीके से यहाँ पर बर्थडे मना रहे हैं और बर्थडे बॉय अभी एक गाना गाएंगे बर्थडे बॉय एक गाना लो जो जो मो बजो छ हैप्पी बर्थडे है हैप्पी बर्थडे टू यू अभी अगले साल स्वयं यहाँ पर एक गाना बजाएगा ठीक है स्वयं गिफ्ट कस्तो लाग्यो भन न हाँ दामी ओके ल तो गाइस स्वयं के मामा मामा जी एन्ड मामी जी मामा र माइजु है आसेङ आङी कौन से हाथ में होता है नहीं पता है अभी दर्शन सिंह लगाएंगे खदा हमेशा खुश रहना सब लोगों को खुश रखना एंड ऑलवेज जॉयफुल है ना थैंक यू और स्वयं के पूरे टीम को क्रिकेट टीम बन जाएगा थैंक यू मना लो बैठ जाओ होली खेल ना स्वयं हैप्पी बर्थडे टू यू केक इज सो डिलिशियस आमा आमा जी को केक कैसा लगा अच्छा है बहुत अच्छा लगा चाटी चाटी खा रहे चाट चाट के खा रहे हैं अम्मा जी केक चाटी खाई बहुत अच्छा लगा The next day. Good morning, guys. So this is the next day. तो कल ना guys क्या हुआ मतलब birthday हम लोग celebrate कर रहे थे and मतलब cake cutting वटिंग सब कुछ हो गया and then पूरे मतलब मैना का family भी आने लगा and बहुत सारे gathering हुए तो बात ही बात में हम party को enjoy करने लगे and then vlog नहीं बना पाया तो अभी हम सुबह का vlog बना रहे हैं guys and आज का मौसम काफ़ी अच्छा है काफ़ी clear है and धूप भी काफ़ी अच्छा खिल रहा है एंड देखो गाइस व्यू ऐसा है तो थोड़ा सा क्लाउड यहाँ पर नजर आ रहा है गुड मॉर्निंग असु हाउ वाज योर स्लीप गुड मॉर्निंग मीना गुड मॉर्निंग अभी हम कहाँ जा रहे हैं सुबह हम जाएंगे थोड़ा उधर मॉर्निंग वॉक हां मॉर्निंग वॉक में जाएंगे ओके और वहां से बाजार का जो नजारा है ना बहुत अच्छा दिखता है ठीक है चलो चलते हैं तो चलो गाइस अभी हम यहां पर ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्लेस है जहां से बहुत अच्छा नजारा दिखाई देते लेकिन उम्मीद करता हूं वहां पर मतलब वेदर क्लियर हो क्योंकि यहां तो गाइस देखो बादल छाया हुआ है अभी गुड मॉर्निंग बर्थडे बॉय गुड मॉर्निंग आमा आमा सुबह सुबह क्या पी रहे हैं
ए वाटर हाट वाटर वाटर सल ल गुड मर्निङ नाना गुड मर्निङ क्या गर रहे हो बिस्किट खाइयो सुबे सुबे चाय A few moments later. तो गाइस सुबह सुबह हम पहुंच गए यहाँ पर एक अच्छे से जगह पर है ना. एक्चुअली ना गाइस हम थोड़ा दूर मतलब घर से थोड़ा दूर वॉक करते करते आए हैं एंड बेना बोल रहे थे कि यहाँ से माउंटेन दिखाई देता है लेकिन अभी मौसम देखो गाइस यहाँ पर बादल है इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर दार्जिलिंग टाउन का नज़ारा आप देख सकते हैं. यहाँ पर ये पूरा दार्जिलिंग टाउन है. यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वो भी दिखाई दे रहा है भानु भवन एंड अभी थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा है व्यू. देखो गाइस ऐसा है. सुबह सुबह आशु सुबह का नज़ारा कैसा लगा? अच्छा है. आप यहीं पर आते हो सुबह सुबह? मैं यहाँ पे रोज आता हूँ वॉक में. तो वहाँ पे देखो ना कितना अच्छा देखा है बाजार और इधर कंचनजंगा दिखता था. अभी तो बहुत कंचनजंगा कंचनजंगा नहीं दिखाई दे रहा है अभी. तो चलो चलते अभी. हाँ व्यू तो नहीं दिखाई दे रहा. अच्छा चलो चलते. लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू. सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा है. एंड गाइस यहाँ पर एक आईफिल टावर भी है. हम पहुँच गए पेरिस. आशु यहाँ से व्यू कैसा दिखाई देता है? जाओ तो चेक करके आओ एक बार. ऊपर जाने का मन कर रहा है गाइस यहाँ पर. लोगों का ब्रेकफास्ट वेकफास्ट सब कुछ हो गया. अभी हमारा घर जाने का टाइम भी हो रहा है गाइस. स्वयं का गिफ्ट क्रिकेट. One, two, three. Out. Guys, अभी घर जाने का टाइम हो रहे. आशु हो रहे रेडी लगा रहे जूता मोचा. इस जाने से पहले मुझे गिटार नजर आ रहा है. गिटार मिल गया मुझे. ये भेना का गिटार है. केक किसके लिए? मम्मी जी के लिए. हाँ चलो एक नेपाली गाना. दीदी आउने गीत सुनो. छैन अच्छा रहा आप लोग के साथ. एंजॉय हुआ कल शाम. आमा बाय बाय. हाँ ठीक है ठीक है. हमारे आमा जी बहुत एक्टिव है और दीदी अभी एक बल्ले बल्लेबाजी करने वाली है. बाय 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 स्वेंग. बाय बाय रोनी. बाय. इस कल शाम को बम्बलबी को मैंने यहाँ पर पार्क कर दिया था तो अभी निकलना है. चलो पीला भाई बहना. सी यू एवरीवन. बाय 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 बाय. चलो गाइस अभी मैंने गोप्रो वोप्रो नहीं लिया. मोटो ब्लॉग नहीं होगा तो मिलते डायरेक्ट घर में. ठीक है सी यू देयर गाइस. The next day. Hello guys. So this is the next day. तो guys ना दीदी के घर से आने के बाद में मतलब अपने गांव में कुछ काम था वहां पर बिजी हो गया. मतलब गांव में छोटा सा कुछ इंसिडेंट हो गया था तो उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि ब्लॉग में मैं इंक्लूड नहीं कर सकता. ठीक है तो अभी ठीक हो गया सब कुछ. अभी स्टेबल हो गया है. ब्लॉग आज एंड करने का मौका मुझे मिला है ना गाइस. ब्लॉग एंड करने के इसी मौके पर यहाँ पर बन रहा है मोमो. और काफी दिन के बाद मोमो. संगीता किचन इधर आपका वो तो दिखा. आशु का किधर है? मैंने फर्स्ट मंथ लगाया लो आशु ने. ओके लूज भाई ना वो बॉडी को ठीक से. आप लोगों ने हमको इंस्टाग्राम पर लिंक देखो. संगीता किचन के लिंक. संगीता किचन. एंड गाइस मैंने आशु को रिकमेंड किया है कि मतलब संगीता किचन का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी मतलब ओपन करो. पता नहीं करेगा. कब करोगी इंस्टाग्राम अकाउंट? प्रॉब्लम क्या है मैं बताओ. मैं अपना अकाउंट यूज नहीं कर पाती. मतलब एक इंस्टाग्राम हैंडल इसको रख दो ना कांची को. वो अच्छे से हैंडल कर लेती है. कांची या फिर मेगा भी है. ये तो इंस्टाग्राम ये तो तीन चार अकाउंट चलाती है मेगा शायद. डैडी जी देखो एकदम मोमो का इंतजार. डैडी जी मोमो इंतजार कर रहे हैं. मम्मी खत्म हो
फर्स्ट ट्रिप खत्म हो गया एंड गाइस मतलब 15 अगस्त में इतना अच्छा अच्छा कमेंट आया, मतलब आप लोगों ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया बोल के है ना, पी एस ए को थैंक यू सब लोगों को बोल रहा था, थैंक यू पी एस ए की पूरा टीम को, बाद में हम अच्छा अच्छा काम करेंगे सोशल करेंगे और भी, एंड वी होप कि मतलब 26 जनवरी मतलब 26 रिपब्लिक डे को भी होगा शायद प्रोग्राम, 23 को 26 जनवरी तो एकदम अभी हम तैयारी में है और विश्वकर्मा पूजा जो आ रहा है 17 तारीख को, ठीक है ठीक है, सितंबर 17 को उसको भी हम थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे करेंगे ठीक है ठीक है, इतना सपोर्ट देगा लोग, ओके ओके, तो गाइस थैंक यू सो मच, एंड गाइस आप लोगों ने मतलब 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस डे के जो ब्लॉग में इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा सपोर्ट दिया, एंड गाइस मैं सोच रहा था कि मतलब मैं लेट पोस्ट किया इतना मतलब इतना अच्छा व्यू नहीं आएगा, लोग नहीं देखेंगे, लेकिन गाइस आप मेरे हर वीडियोस में आजकल मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं ना, मतलब दिल खुश हो जाता है गाइस, मतलब मैं जितना मेहनत करता हूँ अगर इतना मतलब ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो गाइस बहुत जल्द हम 100 के सून पहुंच जाएंगे गाइस, एंड मम्मी का देशभक्ति गीत बहुत ही अच्छा था, हमें मोमो खाने का नहीं मिलेगा अभी, एक कांची मेरा रनिंग कैसा था, मेरा रनिंग कब किया रनिंग, फिनिश हो गया, तो जू वाला वीडियो में एक कमेंट आया ना, कांची ने बोला मैं 22 इयर्स का हो गया हूँ, कांची को बोला तुम तो 15 साल की लगती हो, 17, 18 को और मेगा को मेगा मॉडल लग रही है बोल के कमेंट आया था, और आप बंदर लग रहे हैं, 16 हो गए मोमो पक गया, देखा होता बाढ़ आ रहा है, हाथ नहीं लगूंगा मुंह लगाऊंगा, लजीज लजीज खाना आ गया संगीता किचन का, ओके ये लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो, स्पेशल चटनी, चटनी किसने बनाया, मम्मी जी ऑलवेज, मैंने प्याज काटा है, चटनी स्पेशल मम्मी संगीता किचन, ये भेज है नहीं ना, ये मोमो देखे मुझे एक बचपन का याद आया, बचपन है ना मैं मोमो कैसे खाता था पता है, मोमो को मतलब ये अंदर का जो है कैसे करता था, अंदर का पूरा ऐसे निकाल के फेंक देता था, ठीक है मतलब स्टफिंग फेंक देता था और फिर बाहर का खाता था ऐसे, ये तो मम्मी जी खाता था, लेकिन अभी आजकल मैं क्या करता हूँ ठीक है, सिर्फ अंदर का खाता हूँ, सिर्फ इंजिन खाते, सिर्फ अंदर का खाता हूँ, ये बाहर वाला नहीं खाता हूँ, खबर नहीं खाता हूँ, क्यों पता है, क्योंकि ना डॉक्टर ने बाहर का खाने का मना किया, प्याज खाते ना, वही प्याज कभी नहीं खाता था ये है ना बचपन में, हेलो बर्फी कैसे तू, ओके गाइस मोमो भी हो गए खत्म, अभी ब्लॉग भी खत्म कर दे ठीक है, तो यस गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे दर्शन ब्लॉग्स, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, ये देखो ये मेरा नकल कर रही है कॉपी कैट, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय 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 एवरीवन, बाय 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 बाय, गुड नाइट।